नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं इस वीडियो के द्वारा हाल ही की लेटेस्ट खबर बताने वाला हूं कि किसानों के लिए ये खबर है, पीएनबी करेगी अब किसानों को हर्जाना और 10,000 रुपये देगी। तो दोस्तों, केसीसी कार्ड धारक किसानों का नहीं कराया था फसल बीमा, तो आपको 10,000 रुपये आपके खाते में मिलने वाले हैं। हाल ही की ताज़ा खबर के मुताबिक हम आपको बताना चाहेंगे कि फसल बीमा अनिवार्य होने के बावजूद भी पीएनबी बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड के किसानों का फसल बीमा नहीं कराया। तो ओलावृष्टि से 8 साल पहले खराब हुई फसल के लिए बैंक अब खुद मुआवजा का भुगतान करेगी, साथ ही उन्हें हर्जे खर्चे के रूप में 10,000 रुपये भी देगी। अब फसल खराबे के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने पहाड़ी तहसील के 17 किसानों के हक में फैसला सुनाया है। ऐसे में 13 केस अभी भी आयोग में पेंडिंग है। पीएनबी ने जिले में बहुत सारे किसानों को केसीसी कार्ड जारी कर रखे हैं। नियम के अनुसार कार्ड धारक किसानों का फसल बीमा कराना अनिवार्य था। कई गांवों ने 17 जनवरी 2013 को ओलावृष्टि से सरसों और गेहूं से अपनी फसल में काफ़ी नुकसान हुआ। राज्य सरकार ने खुद अपनी रिपोर्ट में 58% फसली नुकसान होना बताया। जबकि किसानों ने बैंक में मुआवजा मांगा तो पीएनबी बैंक ने उन्हें फसल बीमा की क्षतिपूर्ति राशि देने से मना कर दिया। इस पर उन्होंने उपभोक्ता मंच में शिकायत की और तो शिकायत की सुनवाई के बाद पीएनबी के बैंक के अनिल गुप्ता ने जो इस शिकायत का जो फैसला आया, जिसमें स्पष्ट उपभोक्ता मंच ने कहा कि पीएनबी बैंक किसानों को हर्जाना के रूप में 10,000 रुपये प्रत्येक किसान के खाते में ट्रांसफ़र करेगी। तो दोस्तों, ये किसानों को हाल ही की लेटेस्ट खबर बता रहे हैं। और दोस्तों, किसानों के हित में जो भी ताज़ा खबर आएगी हम आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो लाल रंग के सब्सक्राइब और घंटी वाले बटन को ज़रूर दबाएं और वीडियो को एक लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद साथियों।